गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब कि जो उसकी इंटरनल कंपोजिशन है और उसके जो केमिकल, वो कौन कौन से केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. अब जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है मेटल की, वो किस पे डिपेंड करती है? उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे. किसी भी एटम की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो उसमें उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है. अब हमें पता है कि मेटल्स के आउटरमोस्ट शेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, आउटरमोस्ट शेल इज नोन एज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन दैट कंटेन इलेक्ट्रॉन्स. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम विच कंटेन इलेक्ट्रॉन आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. सो मेटल्स कंटेन 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन दीज इलेक्ट्रॉन्स दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, अब जैसे सोडियम की हम बात करें, सोडियम हमें पता है दैट इज सोडियम का जो एटोमिक नंबर है दैट इज 11 एंड वॉट इज इट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2, 8, 1. अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल हो जाएगी. किसी भी एटम की कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल करने के लिए उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? मैक्सिमम 8, तब वो स्टेबल हो जाए होगा. ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, 8 को ही हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेट बोलते हैं. ठीक है, अब ये अगर 1 इलेक्ट्रॉन को अगर लूज करता है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाएगी. तो इसलिए अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर देता है, लूज कर देता है और ये क्या बन जाता है, Na पॉजिटिव, और ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है. ठीक है, सेम जो है अगर मैग्नीशियम की हम बात करें, जो एटॉमिक नंबर है मैग्नीशियम का दैट इज 12 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2A2. सो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें, मतलब वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल. अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे तो यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा एंड इट बिकम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे, इसमें Mg2 पॉजिटिव. जैसे हम जो बॉन्डिंग बनाते थे, तुमने 9th में भी ये किया है, जो बॉन्डिंग बनाते हैं कंपाउंड्स जो बनते हैं, जैसे MgCl2 की बात करें तो उस पर 2 पॉजिटिव क्यों आता है? क्योंकि वो जो करता है, जैसे MgCl2 ही बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड. अब Cl2 जो है Mg पे 2 पॉजिटिव चार्ज आता है, वही क्रिस क्रॉस करते हैं ना हम यहाँ से. ठीक है, क्योंकि Mg पे जो है वो 2 पॉजिटिव आता है और Cl पे नेगेटिव 1, तो ये क्रिस क्रॉस करेंगे MgCl2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो इसको डोनेट करेगा, 2 क्लोरीन एटम को डोनेट करेगा और MgCl2 बनाएगा और यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. ठीक है, सेम एल्यूमिनियम की बात करें तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है. ठीक है, अब यही है जो इस तरह से मेटल्स जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं नॉन मेटल्स को और बॉन्ड बनाते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करते हैं. ठीक है, अब देखो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इज प्लेस्ड इन द कहाँ पे, उसको एक तो रिएक्टिविटी सीरीज में प्लेस दिया गया है और ऊपर से इसको मेटल्स के साथ जो है रखा गया है, बट इट शोज मैक्सिमम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल. ठीक है, हाइड्रोजन जो है नॉन मेटल है बट इट इज़ प्लेस्ड इन मेटल एज वेल एज इन रिएक्टिविटी सीरीज. क्यों? बिकॉज हाइड्रोजन जो है दैट इज़ इलेक्ट्रो पॉजिटिव. मैक्सिमम जो नॉन मेटल्स होती हैं दे आर इलेक्ट्रो नेगेटिव. नॉन मेटल्स जो होती हैं दे आर इलेक्ट्रो नेगेटिव, बट हाइड्रोजन शो इलेक्ट्रो पॉजिटिव बिहेवियर लाइक मेटल्स बिकॉज इट लूज इट्स 1 इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट इज़ अनस्टेबल. 1 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो वो अगर जब तक उसके पास जो ये के शेल में होता है ना इलेक्ट्रॉन, इसके प्रेजेंट के शेल में प्रेजेंट है और के शेल की मैक्सिमम एबिलिटी जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स की है, तो के शेल में प्रेजेंट है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की एबिलिटी है और है इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन. सो ये लूज कर देता है और एच पॉजिटिव साइन इस पे आ जाता है और ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है. इसलिए इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर होने की वजह से इसको रिएक्टिविटी सीरीज में प्लेस दिया गया है. ठीक है, अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम इसके रिएक्शन पढ़ेंगे. ठीक है, एक ही डिस्कस रिएक्शंस किस किस के साथ है, मैंने ऐसे अब करवाने नहीं है तुम्हें, मैंने ऑलरेडी बहुत बार करवा दिए हैं. रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ क्या बनता है हमारे पास, ऑक्साइड्स बनते हैं एंड मोर ओवर दीज ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर.
ठीक है, बेसिक नेचर को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, अगर हम इन ऑक्साइड्स को, फॉर एग्जांपल अगर हम Na2O को, ये ऑक्साइड बन गया, जैसे सोडियम जो है जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा हमारे पास Na2O बन गया, जब Na2O को हम वाटर में डिजोल्व करेंगे इट विल फॉर्म बेस, इट मीन्स दिस इज बेसिक इन नेचर, अगर दिस इज एंड मोर ओवर दिस इज एल्कली, ठीक है, हमारे पास दो टाइप के रिएक्शन थे, एक एल्कली बनते हैं और एक बेसिस बनते हैं, ठीक है, ये जो है दीज आर सोल्यूबल, मतलब सोल्यूबल एंड इन सोल्यूबल की जो कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है, दीज आर सोल्यूबल द मेटल्स विच आर प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, दे रेडिली डिजॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म सोल्यूबल बेसिस, मतलब एल्कलीज की फॉर्मेशन होती है, एंड जैसे जैसे हम नीचे आ जाते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में उनकी सोल्यूबिलिटी जो है वो डिक्रीज करती जाती है और यहाँ पे इन सोल्यूबल प्रेसिपिटेट बन जाते हैं हमारे पास, जैसे मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम प्लस H2O क्या बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा हमारे पास बेस, बट वो एल्कली नहीं होगा, ठीक है, ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज, बिकॉज एल्कलीज जो होती हैं दे आर सोल्यूबल इन वाटर बट ऑल बेसिस आर नॉट कंपल्सरी दैट दे शुड डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है, तो एक ये हमने ये करना है, इसको वाटर में डिजोल्व करना है। सेकेंड, अगर हम इन ऑक्साइड्स का एसिड्स के साथ रिएक्शन करें, जैसे HCl के साथ रिएक्ट करेंगे, दे विल फॉर्म सोल्ट एंड वाटर, ये कौन सा रिएक्शन होता है, दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इट मीन्स ये यहाँ पे बेस की तरह एक्ट कर रहा है और यहाँ पे ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को शो कर रहा है, ठीक है, दैट्स वाई दीज आर बेसिक इन नेचर। उसके बाद मैंने तुम्हें एक वाटर के साथ रिएक्शन करवाया, वाटर का सॉरी मेटल्स का, ये रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग करवाया, जैसे सोडियम और पोटेशियम जो है वो विग्रस रिएक्शन शो करती है, बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी लूज होती है यहाँ पे, एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, क्या बनेगा यहाँ पे, हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस, ठीक है। सेम हम नीचे आते जाएंगे, जैसे मैग्नीशियम की बात करें, यहाँ पे हमारे पास क्या बनेंगे, ये जो है ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, मैग्नीशियम जो है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करती है, बाकी सेम बनेगा हमारे पास। देखो सोडियम और पोटेशियम जो है दे आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स, यहाँ पे विग्रस रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे, कैल्शियम, कैल्शियम भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है, बट इट डज नॉट शो विग्रस रिएक्शन, ये बहुत फास्ट रिएक्शन शो नहीं करता है, ठीक है, बट ये है कि कोल्ड वाटर में ये रिएक्ट कर जाता है कैल्शियम, बट मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, यहाँ पे हमें हॉट वाटर देना पड़ेगा इसको, इसको रिएक्ट करवाएंगे हम मैग्नीशियम के साथ और सेम प्रोडक्ट हमारे पास बेस बनेगा और H2 गैस लिब्रेट होगी, ठीक है। अब उससे नीचे आएंगे हम, आयरन, जिंक और एल्यूमिनियम की बात करें, दे कैन नॉट रिएक्ट विद हॉट एंड कोल्ड वाटर, ये क्या, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगी एंड एल्यूमिनियम, ठीक है, और बनाएगी हमारे पास ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन होती है यहाँ पे, ये करेंगे Fe2O3+H2, ठीक है, इस तरह से बैलेंस इक्वेशन लिखनी है। और उसके बाद हम और नीचे आ जाएं, अगर उसकी बात करें हम कॉपर की, सिल्वर की, गोल्ड की, दे डज नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल, चाहे वो कोल्ड हो, चाहे हॉट हो या फिर स्टीम हो, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है हाइड्रोजन, हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारे पास रिएक्शन है एसिड्स के साथ मेटल के, ये मैंने तुम्हें लास्ट चैप्टर में भी करवाए हैं, यहाँ पे हमारे पास मेटल और एसिड जब रिएक्ट करते हैं सोल्ट प्लस H2 गैस रिलीज होती है, और जब मेटेलिक कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज H2 गैस जो है वो रिलीज होती है। सो दीज आर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अब मैंने एक आयनिक प्रॉपर्टीज तुम्हें करवानी है, एंड फ्राइडे में जो फ्राइडे को जो है तुम्हारा, वैसे मैंने तुम्हें ऑलरेडी करवा दिया है ये, तो फ्राइडे को तुम्हारा टेस्ट होगा at 7 PM इवनिंग में, सो बी रेडी फॉर ऑल फॉर टेस्ट, एंड इट इज़ कंपल्सरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स टू अटेंड द टेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय एंड हैव अ गुड डे फॉर ऑल।